आज हम इस वीडियो में जानेंगे डीएमआरसी एग्जाम 2020 के बारे में, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर और जीके परीक्षा में आप लोग के आ सकते हैं। रट लो, यही एग्जाम में आएगा। तो चलिए, यह हमारा वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वीडियो 1 और 2। अगर आप देखे नहीं तो जाइए प्ले लिस्ट में, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जाकर वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का 3rd जो हमारा वीडियो होगा, करंट अफेयर और जीके के रिगार्डिंग होगा। तो दोस्तों, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आप लोग के सामने जो दिख रहा है, तो चलिए हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं। ये देखिए, सारे क्वेश्चन परीक्षा में डीएमआरसी के पूछे जा चुके हैं, तो आप इस सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिए। हो सकता है कि यह सारे प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, पूछा गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? मुंबई, नागपुर, हैदराबाद, बंगलौर। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो आपका है, बंगलौर में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बंगलौर में है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? बिक्री कर, वैट, संपत्ति कर, आयकर। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंडरी हो जाएगा, वैट। वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो हमारे इस प्रकार है। पूछा कि क्वेश्चन नंबर 3rd, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 नवंबर 2016 को प्रारंभ किए गए स्वर्ण जयंती समारोह में किस राज्य में मनाया गया? तो ये राज्य जो हमारा था, हरियाणा था। कौन सा था? हरियाणा था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा है कि विजय हजारे ट्रॉफी से कौन सा खेल जुड़ा है? विजय हजारे ट्रॉफी जो आपका होता है, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी या फिर फुटबॉल। तो विजय हजारे ट्रॉफी आपका क्रिकेट से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा है कि विशाखापट्टनम का तटीय बंदरगाह निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जहाज निर्माण, रेलवे कोच निर्माण, विमान उद्योग, मोती उत्पाद। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला, जहाज निर्माण। जहाज निर्माण में विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह तटीय बंदरगाह है, वह इसके लिए फेमस है। अब बढ़ते हैं 6वां प्रश्न, जो हमारे इस प्रकार है। पूछा है कि किस हवाई अड्डे पर दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का चरखा स्थापित किया गया है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 3rd सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में। यहाँ पर चरखा स्थापित किया गया है, लकड़ी का खूब बड़ा सा जो चरखा होगा, वही स्थापित किया गया है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा है GST एक है, GST क्या है? प्रत्यक्ष कर, संपत्ति कर, अप्रत्यक्ष कर। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3rd वाला, अप्रत्यक्ष कर GST है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8वें की ओर। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पहला विशेष आर्थिक है, यानी मतलब स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन? भुवनेश्वर, बंगलौर, इंदौर, अहमदाबाद। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? 3rd वाला, इंदौर। इंदौर जो आपका है भारत का सबसे पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पूछा है कि जिजिया का क्या महत्व है? मुसलमानों पर लगाया गया धर्म, व्यापार पर कर, हिंदुओं पर लगाया गया कर, दाढ़ी बढ़ाने पर लगाया गया कर। तो हिंदुओं पर लगाया गया कर ये आपका जिजिया एक कर था, जिसका महत्व लगाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा कि पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3rd वाला, अनंत वर्मन चौड़ा गंगा देवा ने कराया था। थोड़ा नाम भी बहुत अजीब है, थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण इन्होंने ही कराया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके संविधान सभा में अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर काम किया था? डॉक्टर V.R. अम्बेडकर, दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, या फिर मोतीलाल नेहरू। तो किसने संविधान सभा में अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर काम किया था? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने काम किया था। देखिए, सारे प्रश्न DMRC में आ चुके हैं, हो सकता है इस बार में रिपीट हो जाए। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, और एक दूसरे को इस वीडियो को सारे दोस्तों के आपने शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। हो सकता है इस बार रिपीट हो सके, और जल्दी आप लोग के लिए हम करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 2019-20 के आप लोग के लाने वाले हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूछा है 2015 में मुंबई में वार्षिक NRI भारतीय ग्लोबल आयन पुरस्कार किसे दिया गया? ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, अजय देवगन, या फिर अमिताभ बच्चन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2nd वाला, शाहरुख खान को दिया गया यहाँ पर। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा है कि संविधान सभा के प्रथम संकल्प को कब अपनाया गया? संविधान सभा के प्रथम संकल्प को कब अपनाया गया? तो 22 जनवरी 1947 को
अपनाया गया था संविधान के प्रथम संपल को, 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछा है कि फा हिन भारत किसके शासनकाल में आया था, फा हिन भारत के किसके शासनकाल में आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा है कि निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के तौर पर मनाया जाता है, किस दिन को राष्ट्रीय टीकाकरण के दिवस मनाया जाता है, 6 मार्च, 16 मार्च, 26 मार्च या फिर 9 मार्च। तो राष्ट्रीय टीकाकरण के दिवस के रूप में 16 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 16 मार्च को। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा है कि दुनिया के सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग को लगभग दो दशकों के निर्माण के आधिकारिक रूप से 2016 में खोला गया, या निम्नलिखित में से कौन सा देश में स्थित है। तो दुनिया का सबसे लंबी और सबसे गहरी रेल सुरंग आपकी स्विट्जरलैंड में बनकर तैयार हो गई है, 2016 में इसे खोला गया था स्विट्जरलैंड में। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। पूछा है कि दल बदल विरोधी कानून को सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया था, तो केरल, बिहार, जम्मू कश्मीर या फिर पश्चिम बंगाल। तो आपका आंसर कौन सा होगा सही, पश्चिम बंगाल ने इसे लागू किया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डीएमआरसी पूछा गया प्रश्न है, डीएमआरसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, प्रधानमंत्री हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। पूछा गया है कि विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व वन दिवस आपका 21 मई, 21 जुलाई, 21 अप्रैल या फिर 21 मार्च। तो 21 मार्च को मनाया जाता है। तो देखिए ऐसा ही प्रश्न आपके डीएमआरसी एग्जाम में आएंगे, आपके हो गए दिवस से रिलेटेड हो गए, या फिर आपके हिस्ट्री से रिलेटेड हो गए, या फिर कुछ करेंट हो गए, तो ऐसा ही प्रश्न आपके डीएमआरसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए इसमें 20 क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है आपके एग्जाम में 12 क्वेश्चन पूछा जाए या फिर 15 क्वेश्चन पूछा जाए। यहाँ पर दिया नहीं गया कितने प्रश्न आएंगे, लेकिन 12 से अधिक ही क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके यहाँ पर करंट अफेयर या फिर जीएस के आ सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आएगी, चैनल को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द ही आपको लिए हम बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे करंट अफेयर की, 2020 और 2019 के जो पूछे गए हैं प्रश्न को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।